हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य एस्ट्रोलॉजी में। और दोस्तों, आज हमारे साथ हैं सुशांत जी, और सुशांत जी को आप सब ऑलरेडी जानते भी हैं। केतु के ऊपर हमने एक पूरा सीरीज चलाया था, काफी अच्छा रिस्पांस था लोगों का, काफी अच्छे व्यूज और रिव्यूज फीडबैक लोगों ने दिए थे उस समय। और जो नए व्यूअर्स हैं वो जाकर के मेरे चैनल पे उसको वीडियोस में जाकर के केतु के ऊपर वो जो 3 पार्ट है उसको देख सकते हैं। तो आज हमारे साथ सुशांत जी दोबारा है इस चैनल पर, आपके चैनल पर, है ना। तो और हम चर्चा करेंगे कि भृगु जो जो ज्योतिष है, भृगु नंदी नाड़ी जो है, भृगु के एस्पेक्ट से, जो भृगु वास्तु जिसको हम कह लेते हैं, है ना, आज की डेट में वो कैसे देखना चाहिए, क्योंकि जो भृगु नाड़ी है उसमें सिर्फ साइंस का खेल है ना। उसमें साइंस के अकॉर्डिंग हम देखते हैं भी कैंसर साइन में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है। तो वो थोड़ा सा आपको सुशांत जी आज बताएंगे कि आप अपनी लग्न कुंडली को देख लीजिए, और लग्न कुंडली में कौन सा ग्रह कहाँ पर बैठा हुआ है, तो वहां पर क्या प्रॉब्लम किस दिशा में आपको आने वाला है, और क्या क्या चीजें भाई वहां पे क्या हो सकता है ना। तो ये इसमें ग्रहों के कारक का बहुत बड़ा योगदान रहता है, ग्रहों के कारक आपको आने चाहिए, लेकिन सुशांत जी उसको एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए स्वागत करते हैं सुशांत जी का। सुशांत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और जैसा कि आपने कहा कि आज भृगु ज्योतिष और भृगु वास्तु के अकॉर्डिंग हम लोग आज बात करेंगे, और मैं साथ साथ हम लोग एक एग्जाम्पल चार्ट्स के साथ इसको समझेंगे, जो कि और आसान होगा हम सभी लोगों के लिए समझने के लिए। पर उससे पहले मैं शुरुआत करना चाहूंगा सर कि सबसे पहले हम समझते हैं कि ज्योतिष में या किसी भी इंसान के लिए दो चीजें सबसे ज्यादा महत्व रखती हैं, एक तो दिशा और दूसरी दशा। कहते हैं कि आपकी दशा भी अच्छी होनी चाहिए तो आपकी दिशा भी अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल, तो दशा दिशा जीवन, से हाँ, दशा जीवन की दिशा बदल देती है ना। बिल्कुल सही है। जी, तो दिशा हो गया हमारा वास्तु जहां हम रह रहे हैं, दशा हो गया एक तरीके से हमारा समय, क्योंकि भृगु नंदी नाड़ी के अंदर हम दशा को यूज ना करके हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन को कहते हैं। तो हम दशा का अर्थ होता है एक समय, एक अंतराल जो व्यक्ति के ऊपर, जातक के ऊपर चल रहा है। अब ऐसे में जो आपका बर्थ चार्ट है उसमें जो प्रोमिसेस बने हुए हैं, अगर आप ठीक उसी प्रोमिसेस के अकॉर्डिंग अपना घर सेलेक्ट करते हैं या घर के आसपास की चीजों को सेलेक्ट करते हैं, तो नो डाउट आपको बेनिफिट और नेगेटिव दोनों ही रिजल्ट्स दोनों मिल सकते हैं। बिल्कुल। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें कि अगर किसी की कुंडली के अंदर कर्क राशि के अंदर मंगल बैठा हुआ है, तो यहां पर भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग अगर ऐसा जातक ऐसे मकान में रहता है जिस मकान के अंदर उसकी किचन उत्तर दिशा में होगी, नॉर्थ डायरेक्शन में होगी, तो वहां पे उसको मंगल्स के नेगेटिव रिजल्ट्स और ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि क्योंकि एक तो बिल्कुल दशा, तो दशा कुंडली से देखी, यानी कि ये स्टेटस में नहीं जाना चाहिए, लेकिन हमने दिशा चुन ली एग्जैक्टली उसी स्टेटस की। तो होगा क्या कि ऐसा जो जातक होगा उसकी इम्यूनिटी और उसके शरीर के ऊपर अक्सर जो है घात लगते रहेंगे, माने ऐसे लोगों का एक्सीडेंट बहुत ज्यादा हो जाता है या ब्लड से रिलेटेड इश्यूज आते हैं, और मैरिटल लाइफ भी काफी दिक्कत में होती है अगर फीमेल बर्थ चार्ट हो तो, जी, इसका मैं अगर थोड़ा सा फीमेल बर्थ अपने चार्ट हो। अपने व्यूअर्स को थोड़ा सा बेसिक क्लियर कर देता हूँ कि मंगल नाड़ी ज्योतिष में किचन का कारक है, जो मतलब स्पेशली जो आप खाना जहां पर बनाते हैं, जो आपका वो जो रखते हैं आप लोग, क्या बोलते हैं, बर्नर बर्नर रख लिया या बर्नर चूल्हा बर्नर जहां बनाते हैं गाँव में, है ना। तो कैंसर जी साइन क्या होता है? कैंसर साइन आपके घर की नॉर्थ दिशा को रिप्रेजेंट करता है। ये सुशांत जी, आप घर के अंदर की बात कर रहे हैं या आंगन को भी इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, जो आपका आगे का एरिया है उसको इंक्लूड कर रहे हैं? जी जी क्योंकि जो आपने अभी दिशा जो अभी हमने चेक करनी है, हाँ जी, जी, अच्छा, हाँ बोलिए बोलिए, बताइए। दिशा जो हमने कंसीडर करनी है वो घर के सेंटर से करनी है, कि हम घर के सेंटर में खड़े हैं वहां से हमने नॉर्थ डायरेक्शन देखा। बिल्कुल, ये जो आपने बात अभी अभी की कि मंगल कैंसर साइन में है तो उसको दिक्कत आना स्टार्ट हुआ, मेरे माइंड में अभी अभी एक चार्ट आ गया, और ये बहुत क्लोज पर्सन का चार्ट है। तो आप देखिए, मंगल कैंसर साइन में, कैंसर साइन मून मदर का साइन है ना, और जी
तो क्या हुआ कि मदर का ऑपरेशन हो गया, ठीक है, मदर का ऑपरेशन हो गया, और उस आदमी ने, मैं देखा कि जो उसके घर की बाउंड्री है ना, उसकी नॉर्थ डायरेक्शन में उन्होंने घर वो चूल्हा और वो जलाना स्टार्ट किया हुआ था, क्योंकि वो किचन उनका नहीं था तो वो बना रहे थे उस समय, और वो नॉर्थ डायरेक्शन में उसने कर दिया। तो आप सोचिए, उस आदमी को भी उसकी मदर का ऑपरेशन हो रहा है क्योंकि मंगल कैंसर साइन में है, ठीक है, और दूसरा उसको आंखों में दिक्कत और ब्लड से रिलेटेड कुछ दिक्कत है, वहां से उसी पीरियड में स्टार्ट हुई। अब देखो वो चीज क्या है कि वो चीज टेम्पररली उसकी लाइफ में आ गई। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि कुछ चीजें आपकी लाइफ में टेम्पररली आती है, यानी कि वो दशा ट्रांजिट में जब वो दिशा एक्टिवेट हुई, जब वो मंगल एक्टिवेट हुआ होगा, मैलिफिक जा रहा हो, तो उनकी वो रसोई में कुछ परिवर्तन हो रहा है और कैंसर नॉर्थ डायरेक्शन में वो जाके वो आग जला रहा है, वहां पे वो खाना बना रहा है, और उसी समय उसको देखिए डिजीज हो रहा है, उसकी मदर को डिजीज, उसको मदर को ऑपरेशन हो रहा है। बहुत बढ़िया आपने बात कही, आप इवन आदमी के टेम्परामेंट को भी चेंज कर देगा वो, एकदम हाइपर होना मदर के साथ, ये सब चीज जी जी एग्रेसिव हो जाते हैं। और साथ साथ क्या होता है कि ऐसी अवस्था अगर हो जाए तो ऐसा जातक जो होता है वो कोई इंसान अगर उसके साथ गलत करता है तो वो उसे माफ नहीं कर पाता, पहली चीज। और अगर वो किसी के साथ गलती कर दे तो हमेशा आग्रह करेगा कि मुझे जल्दी माफ कर दो। तो चलिए अब हम थोड़ा एग्जाम्पल से और चलते हैं, जो मेरे रिसर्च के एग्जाम्पल से उसके ऊपर हम करते हैं। इसमें दोस्तों मैं अपने व्यूअर्स को जरूर बताना चाहूंगा कि जरूरी नहीं है आपका मार्स कैंसर साइन में और आपका किचन अभी या आप अभी खाना नॉन डायरेक्शन में नहीं बना रहे, हो सकता है एक पर्टिकुलर ट्रांजिट या एक पर्टिकुलर दशा में, है ना, आप ऐसी जगह शिफ्ट हो जाएं जहां पे वो किचन आए और आपको लगे कि यार प्रॉब्लम हो रहा है, तो डेफिनेटली अपना नॉर्थ साइड जरूर चेक करिएगा, इंडिकेशन आएगा मदर का हेल्थ इशू, आपका मेंटल टेंशन, वो हाइपर होना, ब्लड से रिलेटेड इशू, आंखों से इशू, कुछ ना कुछ आपको भी दिक्कत महसूस होगा। Exactly. क्योंकि ट्रांजिट जो है वो गोचर जो है वो भी टेम्पररीली इफेक्ट करता है आपके एनवायरनमेंट में। कुछ लोगों की लाइफ में ये बहुत लंबे समय के लिए आता है, कुछ लोगों की लाइफ में कम समय के लिए आता है, एनालाइज करने का बात है ना। जी चलिए, वाह आपने बहुत अच्छा बनाया हुआ है जी। दिख रहा है, पूरा दिख रहा है, बढ़िया एकदम जी। तो चलिए अब मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ शुरुआत करता हूं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक धनु लगन की पत्रिका है। इस धनु लगन की पत्रिका में जो मैंने चेंजेस कराए, मतलब जातक को वास्तु के अकॉर्डिंग और जो उसे मिले, उन दोनों के ऊपर मैं बात करूंगा। आप हमें देखना है कि भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग घर का कारक जो होता है वो शुक्र होता है। बिल्कुल, मैं अभी शुक्र यहाँ, हाँ जी, व्यूअर्स को मैं क्लियर कर दूं कि शुक्र फ्लैट आप जो बना बनाया घर लेते हैं दैट इज वीनस, भृगु नाड़ी। यस, जब वीनस एक्टिवेट होगा आप अपने घर खरीदेंगे, ठीक है, और भृगु नाड़ी में साइंस का ज्यादा महत्व रखता है, है ना, और उसमें लेकिन अभी जैसे जैसे रिफाइन होती जा रही है चीजें, उसमें D9 का भी यूज करना स्टार्ट किया है लोगों ने, हाउसेस और उसका यूज करना स्टार्ट किया है लोगों ने, लगन, है ना, इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च, और लोग रिसर्च करते रहना है ज्योतिष में, जो चीज ज्यादा कहाँ काम कर रही है उसको अपनाइए। चलिए जी, हाँ जी, तो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग फ्लैट का कारक और आमतौर पर जो घर का कारक है वो शुक्र है। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे बाय डिफॉल्ट शुक्र बैठा ही फोर्थ हाउस के अंदर है, तो यहाँ पर फोर्थ हाउस का कारक भी और जुड़ गया है। अब हम देखें कि शुक्र जो घर का कारक है उसके अगले घर में, यानी घर के आगे की तरफ जुपिटर और केतु बैठे। जुपिटर और केतु टेंपल का योग बनाते हैं, यानी कि ऐसे जातक का जन्म ऐसी जगह होगा जिसके घर के नजदीक में या गली के मोड़ के ऊपर एक मंदिर होगा, और इवन जो मंदिर होगा वो मंदिर हनुमान से रिलेटेड या दुर्गा की एनर्जी से रिलेटेड होगा, ये भृगु नंदी नाड़ी कहती है। अब ये बता दीजिए कि वो हनुमान जी का क्यों है और दुर्गा जी का क्यों है। बिल्कुल सर, देखिए जुपिटर और केतु बैठे हुए हैं मार्स के साइन में, ठीक है, मार्स जो प्लैनेट है वो इस चार्ट में सेकंड हाउस में एग्जॉल्टेड है, ठीक है, यानी कि हनुमान की जो एनर्जी है वो ज्यादा होगी, प्रसिद्ध मंदिर होगा एक तो, ठीक, क्योंकि सूर्य भी साथ में जुड़ा हुआ है जी। तो
हनुमान जी का एनर्जी का जो कनेक्शन है वो हमने लिया यहाँ पर, क्योंकि कहते हैं कि केतु जो है वो मंगल की तरह रिएक्ट करता है और राहु सैटर्न की तरह रिएक्ट करता है जी। तो यहाँ पर केतु और जुपिटर का मार्स से जुड़ना और उसके डिस्पोजिटर का एग्जॉल्टेड होना दिखाता है कि वहां पे मार्शल एनर्जी ज्यादा स्ट्रांग होगी। और दुर्गा भी इसलिए क्योंकि ये दोनों एक्टिव एनर्जी है। देखिए दुर्गा की महादश विद्याओं के बारे में कहा गया है, ये एक्टिवेट एनर्जी है जिनमें एनर्जी बहुत ज्यादा है और अटैकिंग नेचर की है, दोनों ही अटैकिंग नेचर है। और मार्स जो है अटैकिंग नेचर का प्लैनेट है जी। और एक और चीज है कि दर्शकों को बताना चाहूंगा, किसी क्लासिक का बात है कि फिफ्थ हाउस भी आप जिनको इष्ट मानते हैं है ना, इष्ट देव, और दूसरा नाड़ी के हिसाब से चलो तो जुपिटर केतु इन एरीज है ना, जुपिटर जीव कारक हो गया, केतु फ्लैग हो गया, टेम्पल हो गया, ठीक है, और केतु टेल को भी रिप्रेजेंट करता है ना, केतु टेल को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे लोगों के जो ईष्ट होते हैं, कोई टेल वाला जो देवता है, कोई पूंछ वाला जो देवता है, जैसे भी नाग देवता की लीनियज से कुछ हो सकता है, हनुमान जी की हो सकता है ना, अब दुर्गा जी बैठे हैं, दुर्गा जी भी शेर के ऊपर बैठे हुए हैं, तो समथिंग रिलेटेड टू टेल है ना, ऐसे हम उसको फिफ्थ हाउस यूज कर सकते हैं है ना। और ये जो आपने बताया दैट इज आल्सो वेरी एक्सीलेंट, और मैं थोड़ा सा एक मैं कहीं पे पढ़ा था तो मुझे याद आ गया अभी जस्ट, केतु मंगल के साइन में और केतु टेल को रिप्रेजेंट करता है, सो दैट्स व्हाई आई सेड परफेक्ट। अब इसमें एक रेमेडियल बात और मैं बताता हूं जी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है कि शुक्र पैसे का कारक भी होता है जी बिल्कुल, और यहाँ पे शनि शुक्र का ट्राइनल संबंध भी है जी बिल्कुल। देखिए मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा कि नाड़ी ज्योतिष में ट्राइन कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि मैं अपनी वीडियो में हमेशा बताता हूँ। शनि और शुक्र का एक दूसरे से त्रिकोण का संबंध है, और नाड़ी ज्योतिष में प्लैनेट के नेक्स्ट हाउस में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट, उसके आसपास कौन सा प्लैनेट बैठे हुए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें 3-11 का एस्पेक्ट चलता है, तो आप उस तरीके से आप समझिए। इस समय जो हम बात कर रहे हैं दैट इज वैदिक प्लस नाड़ी, आप समझ लीजिए कि वैदिक नाड़ी हम यूज कर रहे हैं ना, तो आप उसको सीखिए जी जी। अब हम यहाँ एक चीज और देख सकते हैं कि शुक्र पैसे का कारक है, मकान का कारक है। अब ऐसे में शुक्र और चंद्रमा, जो कि चंद्रमा इस कुंडली में अष्टम भाव का स्वामी भी है, तो शुक्र और चंद्रमा का आपस में 6-8 का संबंध है। ये संबंध दर्शाता है कि ऐसा जातक जिसको पैसा चाहिए, अगर ये पानी के क्षेत्र के मतलब अपने जन्म स्थान से दूर जाएगा तो ही सक्सेस पाएगा, या अपनी मदर से दूर जाएगा तो ही सक्सेस पाएगा। ये है भृगु का एस्ट्रो वास्तु का कनेक्शन। जैसे ही इस नेटिव ने अपना बर्थ प्लेस छोड़ा, अपनी मदर से दूर डिस्टेंस पे गया, तो ही बिकम अ वेरी गुड बिजनेसमैन। इवन इन्होंने एंट्री किया दूसरे देश में, मतलब दूसरे स्टेट में जो कि 400 किलोमीटर से दूर है, लेकिन वहां पे जाके अपना खुद की प्रॉपर्टीज डेवलप कर। और जिन लोगों की कुंडली में शुक्र और चंद्रमा साथ में होते हैं, ऐसे लोगों को पानी के पास पैसा मिलता है, पानी के पास रहने से पैसा मिलता है। बिल्कुल, बट वीनस इज मनी, वीनस इज अर्निंग है ना, वीनस रिप्रेजेंट अर्निंग नाड़ी ज्योतिष में, सो वीनस मून डिनोट्स मनी थ्रू ट्रैवलिंग और मनी बाय गोइंग सम डीलिंग विद द ट्रैवल एंड ऑल दीज थिंग्स। और वीनस मून जैसे आपने कहा कि जितना इन्वेस्ट करता है लिक्विडिटी, कहीं दूर जाके सेटल होके वहां पानी वाली जगह पे रहे तो भी पैसा कमाता है। बिल्कुल सही आपने कहा जी। और एक रेमेडियल और इसमें दिया गया कि अब आप देख सकते हैं कि केतु शुक्र की तरफ बढ़ रहा है। बिल्कुल, क्योंकि रेट्रो होता है, तो यहाँ रेट्रो होता है। अब ये कंडीशन ये है कि शुक्र और केतु की आपस में बनती नहीं है नाड़ी ज्योतिष के हिसाब से, क्योंकि एक अध्यात्म मोक्ष और लिबरेशन का कारक है और दूसरा मौज मस्ती का कारक है शुक्र भोग। अब ऐसे में अगर हमें केतु महाराज को शांत करना है तो हमें कहना होगा कि ऐसे जातक को हमेशा ग्राउंड फ्लोर पे रहना चाहिए, या क्योंकि ग्राउंड फ्लोर का कारक या बेसमेंट का कारक केतु है। और जैसे ही ये राहु को एक्टिवेट करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, क्योंकि शुक्र से राहु का संबंध 6-8-12 का बनेगा, 6-8। तो यहाँ पे ये देखना है कि केतु यानी बेसमेंट, यानी ऐसा जातक जब जब बेसमेंट पे रहेगा तो अच्छा धन अर्जित होगा
और केतु महाराज शांत रहेंगे, जिससे कि शुक्र को जो रास्ता तय करना है पूरे 12 भावों का, उस रास्ते में केतु किसी प्रकार का विघ्न नहीं करेंगे। राहु के साथ 6-8 का संबंध है, तो इसलिए हमें वो अवॉइड करना है जी, क्योंकि ये डिफॉल्ट भृगु नंदी नाड़ी कह रही है कि आप ऐसा लेके पैदा हुए, तो अगर आप ऐसे चलेंगे, मतलब इंसान की एस्ट्रोलॉजी का चार्ट एक इट्स काइंड ऑफ लाइक जीपीएस का मैप है। अब हम कहां पे हैं और हमें जाना कहां पे है, ये हमें चार्ट के अकॉर्डिंग प्लैनेट्स के कारकों को मेंटेन करते हुए चलते हैं। ज्योतिष का दैट इज अलाइनमेंट ऑफ योर कर्मा है, कर्मा अलाइनमेंट है ना, इट्स सेम थिंग ना, कि आप हवा जिस तरफ चल रही है आप उस तरफ बढ़ना स्टार्ट करिए, ग्रहों के विपरीत जाएंगे तो दिक्कत होगा। बिल्कुल, तो चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं जो कुछ और मेरे पास है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक और चार्ट है अवेलेबल, ये एक फीमेल जातिका का चार्ट है और ये सिंह लगन की कुंडली है। अब यहाँ पर जो बात हमने करी सर कि मार्स को हमने कर्क राशि से संबोधित किया, अब यहाँ पर जो उदाहरण है वो थोड़ा सा इस तरीके से है कि मार्स और राहु साथ में, ठीक है, तो भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग मार्स किचन का कारक हो गया और राहु टॉयलेट का कारक हो गया। तो ऐसे लोग अगर ऐसे घर में रहेंगे जहां किचन के साथ टॉयलेट होगा, तो ऐसे लोगों की मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी क्योंकि मार्स पति का कारक है। साथ में इम्यूनिटी सिस्टम का इश्यू आएगा, पिंपल्स होंगे, घर में एक्सीडेंट योग बनेगा क्योंकि मंगल और राहु मिलकर ये चीजें बनती हैं। अब इस चार्ट में जो इश्यूज ज्यादा होंगे उसके पीछे रीजन क्या है कि ट्राइनल एस्पेक्ट में चंद्रमा का भी संबंध है। बिल्कुल, और 4, 8, 12 ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन है ना, नॉर्थ डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है और मून का संबंध है। दूसरा अगर अभी की बात करें तो केतु यहीं से जा रहा है वृश्चिक के ऊपर से मंगल राहु, तो एक्टिवेशन वो उस चीज का हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इनके नॉर्थ साइड में किचन में वो जलना, जैसे आपका हीटर जल गया, आपका आग से रिलेटेड एक्सीडेंटल इलेक्ट्रिक इश्यूज होते हैं, दांतों में तकलीफ हो जाएगा और साथ साथ इनको दिखेगा कि इनके जो है ब्लड से रिलेटेड कुछ ब्लड काउंट स्लो हो रहा है या पति को दिक्कत, ये साथ एक साथ दिखने स्टार्ट होंगी। और अगर नॉर्थ साइड में स्पेशली मंगल बैठा होगा उनके, यानी किचन होगा जो, या नॉर्थ डायरेक्शन में इन्होंने बर्नर वगैरह कुछ रखा होगा, इलेक्ट्रिक सामान रखा होगा, तो दिक्कत हो जाएगा, वो बढ़ जाएगा, उसको आप एक कैटलिस्ट की तरह एक्ट करेगा, वो कैटलिस्ट मींस कि भाई पुश करेगा ना, कोई को, हम किसी डायरेक्शन में जा रहे हैं वो हवा उसी डायरेक्शन में लग जाए तो इट्स लाइक वो आपको पुश करता है। एग्जैक्टली, और इसमें एक पॉइंट और मैं बताता हूँ कि मार्स को हमने किचन से लिया, राइट, अब हमारे लिए बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग घर की किसी भी डायरेक्शन में किचन हो नो मैटर्स, लेकिन किचन के साथ में अगर टॉयलेट है, क्योंकि राहु टॉयलेट का कारक है, तो आप ये समझ लीजिए जो आपके बर्थ चार्ट में योग है वही योग आपने अपने घर में ढूंढ लिया, तो ऐसा जातक ज्यादा परेशान रहेगा। एक एग्जांपल और मैं इसमें ऐड करता हूं, मार्स छोटे भाई का कारक होता है, राहु साथ में जुड़ा हुआ है, और ये जो नेटिव है, ये जाति का है, ये इसका खुद का स्वयं हाउस है, फोर्थ हाउस, इसके मम्मी पापा का हाउस। अब ये जाति का या जो इनके साथ समस्या है उसका एक कारण मैंने इन्हें बताया कि ये एक तो अपने मम्मी पापा के हाउस के पास रहते हैं और इनका एक ब्रदर इनके नजदीक रहता है, जिस वजह से उस ब्रदर की टेंशन की वजह से इनको इश्यूज है। बढ़िया, तो जैसे ही ये उनसे डिस्टेंस बनाएंगे, फोर्थ हाउस को छोड़ेंगे, राहु को मार्स को वहां से निकालेंगे, या तो किचन से टॉयलेट अलग कर दें, या ये सिस्टम्स अलग करें, या वहां से अपने ब्रदर से थोड़ा दूर जाएं, तो नो डाउट इन्हें सक्सेस मिलेगी। लेकिन यहां पर चंद्रमा राहु और मार्स का ये संबंध ये भी दिखाता है कि इन जातिका के जो हस्बैंड होंगे वो अगर ये इस सिनेरियो में रहते हैं वास्तु के, जहां पर किचन टॉयलेट ये नजदीक में है, साथ में जुड़े हुए हैं, तो हस्बैंड को एडिक्शन हो सकता है किसी चीज का, क्योंकि चंद्रमा राहु और मंगल का संबंध एडिक्शन को दिखाता है, किसी प्रकार का नशा या किसी प्रकार की पेय चीजों का नशा, जो कि एग्जैक्टली हो रहा है और वो अनस्टॉपेबल हो रहा है।
ऐसे देखा गया है कि जो स्कॉटलैंड वाटर है ज्यादा पी लेते हैं आदमी, है ना, या कॉफी, हस्बैंड कॉफी बहुत पीते हैं, चाय बहुत पीते हैं, है ना, जिसकी वजह से दिक्कत आ रहा है ना, ये सब चीजें। बहुत सही आपने बताया जी जी। चलिए अब नेक्स्ट एक लास्ट चार्ट पे और अब हम चलते हैं जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। अब यहाँ पर एक बर्थ चार्ट है, इस बर्थ चार्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मेरा कंसर्न है वो कंसर्न है यहाँ पर एस्ट्रो वास्तु को आपकी प्रोफेशन से जोड़ते कि कैसे आप अपनी प्रोफेशनली चीज ठीक कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट इस बर्थ चार्ट में फोर्थ हाउस का लॉर्ड सैटर्न है और सैटर्न ही भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग आपके प्रोफेशन का भी कारक है। ठीक है, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में राहु है। राहु डिनोट करता है कब्रिस्तान को, बिल्कुल। ऐसे इन जाति का जीवन सबसे ज्यादा दुख में और प्रोफेशनली डिस्टर्ब रहेगा जब तक ये शमशान के नजदीक रहेंगे, और एग्जैक्टली हुआ भी यही। बिल्कुल, क्योंकि सैटर्न जहां बैठा हुआ है उसके नेक्स्ट हाउस में राहु है, उसके सेकंड में राहु है, तो सैटर्न विल प्रोग्रेस टुवर्ड्स राहु, ठीक है, और राहु इज मूविंग बैकवर्ड्स टुवर्ड्स सैटर्न, पीछे की तरफ आ रहा है। तो क्या होता है, सैटर्न इज कोलाइड, राहु इज कोलाइडिंग विद द सैटर्न, है ना, वो राहु और राहु कब्रिस्तान है, है ना, हाँ, तो इसलिए दिक्कत है। ठीक है, कब्रिस्तान के आसपास नहीं रहना। रेमेडियल, रेमेडियल हम क्या कहेंगे, रेमेडियल हम ये कहेंगे अब राहु को रेमेडी से यूज करें। हम कब्रिस्तान से दूर कराकर हम ये कहें कि ऐसे लोगों को अपना मकान हाई हाइट्स पे लेना चाहिए, यानी ऊंचे फ्लोर्स पे रहना चाहिए। और जब से इन्होंने अपने ऊंचे फ्लोर पे मकान को चेंज किया है, जैसे ही हाई हाइट्स पे गए हैं, इनका प्रोफेशनल स्टेबिलिटी आ गया है अपने आप। इट्स अ काइंड ऑफ रेमेडी। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। और यहां पर शनि के ट्राइनल एस्पेक्ट में चंद्रमा, शुक्र और बृहस्पति, इसका अर्थ ये कहता है कि शनि यानी काम को और ज्यादा फायदा बेनिफिट होने वाला है अगर ये पानी के पास रहे, क्योंकि नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में एक्सोल्टेड है, सॉरी नाइन्थ हाउस का लॉर्ड नाइन्थ हाउस में है, जुपिटर यहाँ पे एक्सोल्टेड है और डिस्पोजिटर की वेल प्लेसमेंट। जी, जुपिटर इज द जीव कारक है, इज कनेक्टिंग विद द वीनस दैट इज वेल्थ, है ना, मून वाटर है, और जुपिटर एक्सोल्टेड फॉर्म में है, कहाँ, वाटर साइन में, तो इसका मतलब जो नेटिव है वाटर वाली जगह, समंदर के किनारे, है ना, नदी के किनारे कोई ऐसा घर बना लेगा या कुछ ऐसा करेगा तो द पर्सन विल फ्लोरिश। पर्सन क्या करेगा, इसके पास पैसा आएगा पानी की तरह। परफेक्ट। और वो चलता रहेगा, आएगा और जाएगा, क्योंकि सैटर्न भी वाटर साइन में है, तो सैटर्न के ट्राइन में, क्योंकि भृगु नाड़ी में हम ट्राइन कनेक्शन को लेते हैं, तो सैटर्न के ट्राइन में बैठा हुआ है जुपिटर, वीनस, मून, और अभी जो हमने चर्चा की दैट इज वैदिक प्लस नाड़ी, कंबाइंड करके बहुत अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं जब हम कंबाइंड करते हैं किसी चीज को, और उसको सीखना पड़ेगा हमें। अच्छा, सैटर्न के ट्राइन में जुपिटर, वीनस, मून, बहुत बढ़िया आपने कहा। और हम यहाँ पे एक चीज और ऐड कर सकते हैं, देखिए कहते हैं कि भृगु नंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग सैटर्न राहु का संबंध जो होता है वो थोड़ा लो क्लास चीजों की तरफ भी लेकर जाता है एज पर माय स्टडी। तो यहाँ पे हमने ये समझना है कि जब तक ऐसा जातक कब्रिस्तान या फिर राहु के कारक तत्वों के जो कि पॉजिटिव नहीं है उसके नजदीक रहेगा, तो उसको लो क्लास जॉब्स करनी पड़ेंगी। मतलब एक तो बहुत ज्यादा मेहनती काम करना, या फिर सफाई का काम बहुत ज्यादा करना, या जिसे हम कहें कि बहुत मेहनत कश काम जो होता है वो राहु कराता है, क्योंकि हम उसको पॉजिटिव वे में यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, तो हम उसको जब पॉजिटिव वे में यूज करेंगे, ठीक है, उसी राहु को, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं, और वो सब आपके दशा और ट्रांजिट के साथ ही होता है, क्योंकि क्या होता है कि एक टाइम पीरियड पे लोगों को लगता है कि यार इस राहु की वजह हमें प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि उसी राहु की वजह से आदमी ऊपर की तरफ बढ़ता है लाइफ में। जी चलिए, तो आज के लिए मैंने यही प्रिपेयर किया था कि एज पर बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बेसिक है, नो डाउट, एकदम से कोई एक वीडियो में कोई वास्तु नहीं सीखेगा,
डेफिनेटली कुछ कुछ चीजें हम सीखते रहते हैं थोड़ा थोड़ा करके, चीजें आएंगी। बहुत सारे लोग अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ट्राइन कनेक्शन क्यों लिया, बट भृगु नाड़ी में ऐसे ही यूज होता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सुशांत जी आपका, और बहुत अच्छा आपने जानकारी दी आज इसके लिए, और आपको बुलाते रहेंगे। और जो लोग कंसल्टेशन चाहते हैं सुशांत जी से, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां पर देख सकते हैं। प्रणाम, थैंक यू। प्रणाम सर।